जय हिंद जय भारत दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर। मैं देव आप लोगों के बीच संविधान के एक महत्वपूर्ण पहलू को लेकर आ रहा हूं, जिसका नाम है संविधान के विदेशी स्रोत। दोस्तों आज मैं विदेशी स्रोत पे बात करूंगा। अगर मैं विदेशी स्रोत की बात करूं तो सबसे पहले हमारे जहन में आता है 1935 का भारत शासन अधिनियम। दोस्तों यहां से हमारे संविधान में लगभग 70% हिस्सा लिया गया है और 250 अनुच्छेद या तो उसी तरह या तो कुछ परिवर्तन करके वहां से ले लिए गए। उसके बाद न्यायपालिका की व्यवस्था भारत शासन अधिनियम 1935 से ली गई। हमारे यहां अपीलीय न्यायपालिका है, हम सर्वोच्च न्यायपालिका मानते हैं सुप्रीम कोर्ट को, उसके नीचे हाई कोर्ट, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं। उसके बाद हमारे संविधान में कैग यानी कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक का जो पद है उसे लिया गया है और यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 के बीच में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस पद को भारत का सबसे बड़ा पद माना था। दोस्तों एक प्रकार से देखा जाए तो यह पूरे भारत के आय और व्यय का लेखा जोखा रखता। उसके बाद आयोग का गठन, दोस्तों लोक सेवा आयोग का गठन भी यहीं से लिया। दूसरा नंबर आता है ब्रिटेन का। ब्रिटेन से संसदीय व्यवस्था ली गई है। संसदीय व्यवस्था का तात्पर्य है जहां लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति की बात हो, तो जो लोकसभा और राज्यसभा जहां विधि बनती है वह व्यवस्था सारी की सारी ली गई है ब्रिटेन से। हमारे लोकसभा अनुच्छेद 81 में है और राज्यसभा 80 में है। लोकसभा में निर्वाचित होने के लिए कम से कम 25 वर्ष की उम्र चाहिए और राज्यसभा में 30 वर्ष और राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम 35 वर्ष का उम्र चाहिए। उसके बाद एकल नागरिकता संसदीय विशेषाधिकार, प्रधानमंत्री का पद और राष्ट्रपति की औपचारिक स्थिति, ये सब ब्रिटेन से लिया गया है। ब्रिटेन से ही विधि निर्माण की प्रक्रिया या विधि। अब हम बात करते हैं अमेरिका का, तो अमेरिका से मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद और न्यायपालिका का पृथक्करण लिया गया है। अब हम बात करते हैं कनाडा के संविधान से। कनाडा के संविधान से संघीय व्यवस्था, अधिकारों का पृथक्करण और राज्यपाल का पद लिया गया है। राज्यपाल मेरे दोस्तों यह केंद्र का प्रतिनिधित्व करता है राज्यों में। यह सीधे बताता है केंद्र को कि राज्य में क्या हो रहा है। यह राष्ट्रपति का एक प्रतिनिधि आया होता है जो प्रत्येक राज्यों में रहता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं रूस की, तो रूस सोवियत संघ रूस की जब बात करते हैं तो रूस से लिया गया है मौलिक कर्तव्य, जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है कि 21 अनुच्छेद में विस्तृत जानकारी मौलिक कर्तव्यों के बारे में दे दी। रूस से ही पंचवर्षीय योजना को भी लिया गया है। बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका की। दोस्तों दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है जो भाग 20 में है और अनुच्छेद 368 में है। दक्षिण अफ्रीका से ही संविधान संशोधन क्यों? क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में जनजातियों का बार बार आगमन होता है, क्योंकि वह जंगल वाला देश है, बहुत अधिक वनों वाला देश है, जिसकी वजह से वहां का संशोधन जो व्यवस्था है संविधान की वो बेहतर हो गई। उसके बाद हम लोग बात करते हैं जर्मनी, हिटलर का तानाशाह। जर्मनी का जो तानाशाह था वो था हिटलर, और हिटलर ने जब चाहे तब आपातकाल जैसी स्थितियों को पैदा कर देता था। इसकी वजह से जर्मनी से आपातकाल की व्यवस्था ली गई है जो हमारे भाग 18 में और अनुच्छेद 352 से लेकर के 360 में, 352, 356 और 360 में है। दोस्तों आयरलैंड के संविधान से हमारे संविधान में लिया गया है DPSP यानी कि राज्य के नीति निर्देशक
निर्देशक तत्व या फिर कहिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर स्टेट पॉलिसी जो अनुच्छेद 36 से 51 के मध्य है, इसके बारे में भी मैंने वीडियो में सब कुछ बता दिया है। उसके बाद आयरलैंड से ही राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची, प्रस्तावना की भाषा, केंद्र एवं राज्य संबंध, संयुक्त अधिवेशन की विशेषता जो अनुच्छेद 108 में है, यह भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। दोस्तों, फ्रांस के संविधान से स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, गणतंत्र शब्द लिया गया है। बात करते हैं जापान के संविधान से, तो जापान के संविधान से कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया तथा शब्दावली को लिया गया है। दोस्तों, आपसे कुछ प्रश्न हैं। प्रश्न ये हैं कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है, प्रधानमंत्री का पद कहाँ से लिया गया है, कैग का पद कहाँ से लिया गया है। इन तीनों प्रश्नों का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, धन्यवाद।